Good morning, dear students. Good morning. Good morning, sir. Okay, am I audible na? Okay. Bhargesh, Hussein, Mas, Prisha, where are others? Okay, last time I was doing one property of couple, that moment of couple about any point in its plane is constant, is constant. तो मैंने ये बताया था कि सपोज दिस इज अ बॉडी, देयर इज अ पॉइंट ए एट व्हिच डाउनवर्ड फोर्स एफ, पॉइंट बी देयर इज अपवर्ड फोर्स एफ, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज ए बी, आई हैव टेकन अ इंटरमीडिएट पॉइंट पी एंड अ एक्सटेंडेड पॉइंट सी, एंड आई वांट टू प्रूव दैट मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ दिस कपल अबाउट एनी पॉइंट आइदर ए पी बी सी, कहीं भी लो, आंसर विल बी एफ इनटू ए बी ओनली. Answer will be F into AB only, whatever. So that moment of couple always remains constant. And as you can, anti-clockwise couple is positive and clockwise moments is negative. Anti-clockwise moments is positive and take minute, me so pin karna bhul gaya hun. I want to pin this. Ek minute na beta. पिन, यस, ओके. सो सबसे पहले मैंने पॉइंट पी लिया था. पॉइंट पी पे मोमेंट ऑफ कपल मींस मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एंड मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दैट पॉइंट. रिमेंबर मोमेंट इज फोर्स इनटू मोमेंटम. इस फोर्स का मोमेंटम इज एपी. एंड यू नो कंसीडर पॉइंट एज द हिंज जहां पे मोमेंट दे रहे हैं और बाकी जो है ना उसको फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी मोमेंटम को ऐसा पकड़ लो डोर. अगर मैं ये फोर्स इसको डोर को खींचेगा तो डोर में इक्वल लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज तो आई हैव टेकन पॉजिटिव एफ इनटू एपी इज पॉजिटिव. नाउ अगेन दिस फोर्स का डिस्टेंस यानी मोमेंटम इज बीपी. पॉइंट को हिंज मान लो और इसको डोर मान लो डिस्टेंस को और फोर्स इसे अप्लाई करो तो ये ऊपर जा रहा है. कैन यू सी? सो इवन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, पूरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी मैंने पॉजिटिव लिया. तो एफ इनटू एपी प्लस बीपी, बट एपी प्लस बीपी इज एबी. दस मोमेंट अबाउट पॉइंट सी. देखो इस पॉइंट को हिंज मान लो और मोमेंटम को डोर मान लो. इतनी लंबी डोर एसी को अगर खींचेगा तो डोर विल गो लाइक दिस अगेन एंटी क्लॉकवाइज तो एफ इनटू एसी. नाउ इस फोर्स का मोमेंट अबाउट सी तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इस फोर्स को ऐसे मानेंगे तो भी आएगी इट इज गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मोमेंटम जो मोमेंटम है उसको डोर मान लो और फोर्स को अप्लाई करो तो डोर कैसे रोटेट हो रहा है ऐसे रोटेट हो रहा है व्हिच इज क्लॉकवाइज. तो माइनस एफ इनटू बीसी तो एफ इनटू एसी माइनस बीसी इज नथिंग बट एबी. सो एट पॉइंट बी अब हम पॉइंट बी करते हैं. यस एनीबॉडी कैन टेल मी अबाउट पॉइंट बी व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट बी. जो बी है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या हिंज और इसको मान लेते हैं डोर तो ये ऐसे खींचेगा तो टेल मी व्हाट विल बी दिस क्लॉक और एंटी क्लॉक दिस एफ इनटू एबी. Anti-clockwise, that's very good. F into AB. Or what about moment of this force about B? Moment of this force about B, kitna hoga? Anyone? Anyone can tell me what will be moment of this force F about B? Achha, main aapko ek example deta hoon. You suppose door hai aur ye hinge hai. यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज एफ इनटू दिस डिस्टेंस लेट्स से एल. सपोज मैंने फोर्स यहाँ अप्लाई किया एंड डिस्टेंस इज लेट्स से एल वन तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इनटू एल वन. इफ आई अप्लाई द फोर्स हियर व्हाट विल बी द मोमेंट एफ इनटू एल टू. सपोज इफ आई अप्लाई द फोर्स हियर व्हाट विल बी मोमेंट. डायरेक्टली हिंज के ऊपर मोमेंट फोर्स अप्लाई करो तो कितना होगा मोमेंट. इसका मोमेंट फ्रॉम बी विल बी हाउ मच. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम बी. What is the distance of this force from B? See, it is passing through the point. Therefore, it will not produce any moment. अगर door को मैं rotate करना चाहूँ सीधा hinge पे force apply करूँ, because it is not producing any moment. Therefore, door will not rotate. So, what will be moment of this force about B? Anyone? Anyone of you? What is the moment of this force about B? Point B. Jitu.
what is the moment of this force about B? देखो इस फोर्स का मोमेंट है F into AB. जैसे जैसे फोर्स नजदीक आता जाता है मोमेंट कम होता जाता है. अगर फोर्स वहीं से पॉइंट से पास हो जाए तो हाउ मच मोमेंट विल इट प्रोड्यूस? जीरो. जीरो. अरे कितने टाइम से मैं सोच रहा हूँ आंसर में प्लस F into zero. देखो मोमेंट होने के लिए दो चीजें चाहिए, फोर्स और मोमेंटम. यहाँ पे फोर्स तो है लेकिन मोमेंटम है कि नहीं, वहीं से ही पास हो रहा है, मोमेंटम इज जीरो. डिस्टेंस तो होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर मोमेंट इज टू बी टेकन. सो देयरफॉर एफ इनटू जीरो तो आंसर बी बी एफ इनटू एबी. इट डज बी फाइंड व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इट्स प्लेन रिमेंस कांस्टेंट. इसका है ना मैं डिस्क्राइब नहीं करता, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, जनरली पूछेंगे नहीं, बट आई वांटेड टू टेल यू. और इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मुझे क्लियर करना था तो ये जरा कॉपी कर लो. ये खाली लास्ट टाइम यहाँ तक तो कॉपी किया था ना आपने? द मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंट. Is this clear? Bita do? Okay, इसके बाद में लिखो define center of mass. Define center of mass. सेंटर ऑफ मास. एक मिनट ना, एक मिनट. हाँ ओके. सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखो, डिफाइन सेंटर ऑफ मास. क्वेश्चन ऐसे लिख दो, डिफाइन सेंटर ऑफ मास. ओके ऐसे सिंपल आंसर लिखो. मैं एक बात बताऊं, सपोज दिस इज अ रूलर, एक फुट पड़ती है ये, उसकी इसका मास लेते हैं 100 ग्राम है. ऑलराइट, इसका मास 100 ग्राम है. तेल भी 100 ग्राम क्या यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट है. ऑल ऑफ यू एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? यस सर. यस सर. कोई बोले नहीं यार अपने को है ना इसका कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये, कहीं एक पॉइंट पे बताओ. तो हम लोग क्या, सब लोग कॉमन सेंस से बोलेंगे यार यहाँ पे है ना, ऐसा करते यहाँ पे 100 ग्राम ऐड कर रहा है. तुम लोग यहाँ यही पॉइंट सिलेक्ट करोगे सेंटर वाला या कहीं पे भी डाल दोगे? कहाँ डालोगे? विच पॉइंट यू प्रीफर? विच पॉइंट यू प्रीफर? सेंटर. सो इस बेसिस पे सीधा सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आ गई. सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ अ बॉडी can be supposed to be concentrated. Supposed to be. यहाँ थोड़ी concentrated है, तो हर जगह है. यहाँ पे भी mass है, यहाँ पे भी mass है, हर जगह mass है. लेकिन हम लोग इसका mass ऐसा assume करते हैं, ऐसी bodies at the acting at the center. So such a point is called center of mass. और दूसरा एक और definition है, vague definition है, कि moments of masses about that point remains constant. देखो, इस side के जितने mass है, उनका moment क्या होगा? उनका moment होगा clockwise. ये side के जो मास है उनका मोमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दिस पॉइंट. अल्टीमेटली एक सपोज क्लॉकवाइज मोमेंट आता है 200 ग्राम सेंटीमीटर, और इसका भी आएगा 200 ग्राम से, तो मोमेंट्स विल गेट कैंसिल ना. ये प्लस 200, ये माइनस 200 विल बिकम जीरो.
So it is a point at which the summation moments of masses about that point remains, it becomes zero. Which is better definition, you feel? Which is better? The first one. First one is the easier. Lik dalo. Center of mass of a body is defined as a point at which entire mass of a body can be supposed to be concentrated. Hussain, repeat kare definition. Hussain. Repeat, sir. My network is very low. The network is not there. Okay. Om, bhag mat jana. Repeat kar. The center of a mass of a body defined as a body at which entire mass of a body can be supposed to be concentrated. As a body, as a point. Please write, is defined as a point at which the entire mass. Point, likho beta. Please write point. Send me the note. Maine body bola tha kya? Ki point bola tha? ओ बच्चों क्या बोला था चलो ठीक है पॉइंट बोला था ना एक और पॉइंट लिख ही डालो डेफिनेशन तो लिख डालो क्या पता सीईटी वगैरह में काम आएगा ऐसा लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज अ पॉइंट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ पॉइंट एट विच sum of moments of all masses of the body is zero sir can you repeat from point is defined as a point at which summation of moments of all masses of the body at that point is zero. मैंने सोचा लिखा ही देता हूं क्या मालूम सीटी में कुछ आ जाए तो इसके बाद में एक नोट लिखो नोट देखिए ये फुट पट्टी सिमेट्रिकल बॉडी की अनसिमेट्रिकल बॉडी ये सिमेट्रिकल बॉडी है अनसिमेट्रिकल सर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल तो रिमेम्बर इनकी सब सिमेट्रिकल बॉडी Body lies at the point of symmetry. This is circle. So circle ka center of mass kya hoga? Bolo na bachcho. Circle ka center of mass will be center. Alright, rectangle. So rectangle ka center of mass kya hoga? Point of intersection of diagonals. Like this. सिमेट्रिकल बॉडीज में बहुत इजी है सेंटर ऑफ मास ढूंढना इट इज एट द पॉइंट ऑफ सिमेट्री सिंपल रिंग है सपोज ये सर्कल के बदले रिंग होती रिंग तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा एट द सेंटर डिस्क है डिस्क जिसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा सेंटर बट ट्रायंगल बनेंगे ऐसा कुछ ट्रायंगल तो इसका सेंटर ऑफ मास इज नॉट इजी उसके सेंटर ऑफ मास है लेकिन डायरेक्ट नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल बॉडी तो वी हैव टू डू समथिंग So there are certain formulae or certain values which you have to take directly. मैंने आपको last time बोला था textbook निकाल के रखना. All of you have textbook with you physics का. Right now all of you have. हाँ तो निकालो और page number 70 पे आ जाओ. Page 70. पेज 70 पे देखो अरे बाप रे पहला नहीं करेंगे सीधा मैं बताऊं कहां से आना चाहिए अरे यार एक काम करते हैं इसमें थोड़े डायग्राम ऐड कराऊंगा मैं आपको
आप एक नया बनाओ ना डायग्राम, एक नया ऐसा बनाओ खाली जैसा इसमें बनाया है, और नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री में अलग से दूंगा आपको। नंबर वन लिखो सर्कल, सर्कल सर्कुलर प्लेट, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और ऐसा ही सबके लिए एक ही डायग्राम बनाना होगा ये, और यू कैन राइट सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर। सेंटर रॉड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, दीज आर सिमेट्रिकल बॉडीज है, ये भी बताऊंगा। ये दिख रहा है ना पूरा, ये सिमेट्रिकल बॉडीज की बात की, और फिर ना अनसिमेट्रिकल बॉडीज का इन्होंने एग्जांपल दिया है, दैट विल ये मिटा दूं इसको, इसको मिटा दूं। यस सर। ओके, इसके बाद है ना जो डायग्राम बुक्स में दिए ना, दैट आई वो आप बाद में कॉपी कर लेना, मैं अभी खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज डू नॉट राइट, अदरवाइज अपना टाइम बहुत चला जाएगा, बाद में तुमको कूलली घर में बैठ के कर लेना। सपोज देयर आर टू पॉइंट मास, ये एक और कर लो, अनसिमेट्रिकल बॉडी टू पॉइंट मास, ये एक और डायग्राम ड्रॉ कर लो। यू सपोज एम वन, यू सपोज एम टू, एंड सेंटर ऑफ मास, एंड लेट अस सी दोनों के बीच में डिस्टेंस है L. Let us see, center of mass is at a distance x. So this distance will be L minus x. So you know m1 into x equal to m2 into L minus x. Get x. Get x. ये formula use कर ला. m1 into x equal to m2 into L minus x. So इससे you can always get the position of center of mass. चलो so, example भी ले लेते. सपोज दे 2 किलो की बॉडी है, लेट अस से 10 मीटर की दूरी पे 5 किलो की बॉडी है, 5 के बदले लेट अस से 3 किलो की बॉडी है, एंड वी वांट टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो लेट सेंटर ऑफ मास बी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम 2 kg। तो टेल मी यहां से डिस्टेंस कितना होगा, एनीवन? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है, सेंटर ऑफ मास इज लेट अस से एट अ डिस्टेंस x from 2, so what will be distance of center of mass from 3 kg? 3 kg se kitna hoga? Are yahan se 10 minus x, 10 minus x, so tell me what will be the formula, 2 into x
equal to 3 into 10 minus x. Therefore, 2x equal to 30 minus 3x. Therefore, 5x equal to 30. So, x equal to 5.6 meters. This way you can get the center of mass. This way we can get center of mass. बाकी आपको है ना लर्न बाय हार्ट करने हैं सारे फॉर्मूले क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है इट इज नॉट देयर इन द 12th स्टैंडर्ड 11th में भी नहीं है 12th में भी नहीं है इंजीनियरिंग में जाओगे ना तब जाके इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा इस सब लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूले लर्न बाय हार्ट करने हैं ये आपको जगह छोड़नी है पड़ेगी और सबको लर्न बाय हार्ट करने आई एम गोइंग टू आस्क बच्चों इसके बाद क्या लिखना है मालूम है आपको आइसोसेलस ट्रायंगुलर प्लेट उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट उसके बाद लिखना है थिन सेमी सर्कुलर रिंग थिन सेमी सर्कुलर डिस्क अच्छा रिंग और डिस्क में फर्क क्या है एनीवन कैन टेल मी क्योंकि कई बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि रिंग क्या होती है डिस्क क्या होती है एनीवन एनीवन Who can tell me? ये मिटाऊं क्या कि एक बार रूलर मार के रिपीट करूं प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट शुड आई रिपीट दिस और इट्स क्लियर सर क्लियर 100% ना ओके और तुम लोग है ना मेरा ये वेट मत करो कभी भी कुछ भी डाउट है बिंदास मेरे को क्वेश्चन पूछो कि सर ये समझ नहीं आया सर ये जरा वापस कर दीजिए सर सर ये कैसे आपने एक्स लिया है सर हाउ यू गॉट दिस आंसर ऐसा को कुछ पूछोगे तो इट इज बेटर टू आस्क देन टू हैव कंफ्यूज एवरीवन ऑफ यू बिंदास पूछ के देखो एक बार मैं जरा भी नाराज होता हूँ क्या क्लियर ओ यस सर और मुझे एक बात बताओ ना बेटा ये क्या बोलते हैं ये क्या फर्क है यार थिन रिंग और थिन डिस्क दोनों में क्या फर्क है क्या फिर आप फॉर्मूले लर्न बाय हार्ट करने हैं एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी थिन रिंग एंड थिन डिस्क बोलो बोलो देखो मैं बताता हूं पता है हाथ में चूड़ी पहनते हैं चूड़ी पहनते हैं ना यस सर यस सर चूड़ी इज नथिंग बट अ रिंग चूड़ी इज नथिंग बट अ रिंग लेकिन सीडी होती है मालूम है कंप्यूटर में सीडी ओ यस सर सो सीडी इज नथिंग बट अ डिस्क ये डिस्क है ये रिंग है और ये डिस्क है नाउ इसका मैं आधा पार्ट ले लू सिर्फ आधा पार्ट इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर रिंग और इसको आधी इसको आधा काट के इतना ले इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क इज दिस क्लियर नाउ Is this clear difference between this and this? ये है रिंग yes, sir. और ये है डिस्क तो रिमेम्बर सेंटर ऑफ मास विल लाए एट दिस पॉइंट ऑफ सिमेट्री पहले तो इसके ऊपर है लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है ऊपर नीचे तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो दिस डिस्टेंस इज 2r बाय पाई r मस्ट बी रेडियस r मस्ट बी रेडियस और यहाँ पे डिस्टेंस इज 4r बाय 3π ये डिस्टेंस कितना है ये सब लर्न बाय हार्ट करना है आपको इसलिए मैं अभी आपको खाली बता रहा हूँ रिंग और डिस्क का फर्क क्या है रिंग क्या होती है डिस्क क्या होती है अच्छा एक और बात बताओ ये बाद में कॉपी कर रहे हैं आपको एंड एवरीबॉडी हैज टू आफ्टर कॉपिंग मेरे को फोटो खींच के मेरे पर्सनल पे भेजना है सो दैट आई विल नो दैट एवरीवन इज डूइंग होमवर्क प्रॉपरली अच्छा ये क्या है पेज 70 में राइट में जो डायग्राम है जीतू पढ़ के बता पहले दो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन So, hemispherical cell of radius r and so, solid hemisphere of radius r. दोनों में फर्क क्या है? ये क्या है hemispherical shell और solid hemisphere? ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. I don't understand this. मुझे क्या करूं? कोई मुझे बताओ ना प्लीज ये hemispherical shell और solid hemisphere में फर्क क्या है जिसे ये फर्क मैंने समझाया आपको कि ये रिंग है और ये डिस्क है उसी तरह से
क्या है बोले ना, उनको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लर्न बाय हार्ट कर रहा, कुछ समझ में नहीं आता है, शेल हेमिस्फेरिकल शेल है तो ये लिखने का, सॉलिड हेमिस्फीयर है तो ये लिखने का, ऐसे करके पढ़ाई नहीं होती. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है हेमिस्फेरिकल शेल. एनीबॉडी हु कैन टेल मी, एनीबॉडी हु कैन टेल मी. चलो मैं बताता हूँ. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट जो खेले जाते हैं अभी टेस्ट मैच चल रहा है, क्रिकेट हॉलो बॉल से खेलते हैं कि सॉलिड बॉल से खेलते हैं? क्रिकेट सॉलिड सॉलिड बॉल से लगे तो लग जाती है जोरदार, हड्डी टूट जाती है. और मुझे बताओ, जैसे लॉन टेनिस होती है और घर में बच्चे लोग खेलते हैं ना वो प्लास्टिक की बॉल, टेल मी दैट इज सॉलिड और हॉलो? हॉलो. तो रिमेंबर वन थिंग, अगर प्लास्टिक की बॉल जो कि हॉलो है और ये जो सीजन बॉल है जो कि सॉलिड है, ऑलराइट, इसको मैं अगर आधा काटूं, इसको मैं आधा काटूं और यहां पे ऐसे रखूं तो ये हेमिस्फेरिकल शेल, और इसको आधा काट के ऐसे रखूं तो दिस इज नथिंग बट हेमिस्फीयर. इसको बोलेंगे हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर. इसको बोलेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर, इसको शेल बोलेंगे. शेल यानी खाली खोखा, हेमिस्फेरिकल शेल. इसका जो सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r बाय 2, इज व्हाट एट अ डिस्टेंस r बाय 2, और इसका आंसर है 3r बाय 8. ये सब वैल्यूज आपको लर्न बाय हार्ट कर रही है. ये तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे आने वाले ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है. तो दिस इज व्हाट r बाय 2, 3r बाय 8 कैसे आता है, दैट यू डोंट वरी, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. I hope that is clear to you. अभी next दो तो समझ में है, वो hollow right circular cone and hollow solid right circular cone, ये समझ में आ जाएगा I think. ये सबको मालूम पड़ेगा ना, hollow यानी cone जो कि अंदर से खाली है और ऐसा cone जो भरा हुआ है, आइसक्रीम का cone, अगर आइसक्रीम भरी हुई है अंदर तो उसको बोलेंगे solid, और आइसक्रीम पूरी छपाचट कर गए और खाली बचा है तो उसको बोलेंगे hollow right circular cone. I am sure it is clear. Yes sir. Yes, sir. ये आप कॉपी कर लेना, ये आपको कॉपी करना है. Now, मैं क्या करता हूं, एक प्रॉब्लम लेता हूं आपके लिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम लेके, प्रॉब्लम लेते लेते चलेंगे ना तो अच्छा है. एक प्रॉब्लम लिखो, यू कैन राइट अ स्फीयर, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस, टू स्फीयर्स of radius 1 centimeter and 2 centimeter are 9 centimeter apart. Locate center of mass. Locate center of mass. CM. Locate center of mass. इसका डायग्राम बनाने नहीं आएगा कि आएगा? बोलो पहले बच्चों, डायग्राम. क्या डायग्राम में कोई दम ही नहीं है, बोलने ना सर ये रहना डायग्राम. वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर अपार्ट, ये डायग्राम हो गया सर. और वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास, वी हैव टू लोकेट सेंटर ऑफ मास. वी हैव टू लोकेट सेंटर ऑफ मास. आज मेरे ख्याल से बंद होने वाला अपने आप. ओके क्या करूं मैं, एक मिनट, ये डायग्राम सबको समझ में आया? दो स्फीयर है, एक स्फीयर यानी सॉलिड स्फीयर है, कभी भी ध्यान रखना, वर्ड हॉलो जब तक नहीं बोला जाए तब तक हॉलो नहीं है. स्फीयर वर्ड, कोई भी वर्ड अगर हॉलो वर्ड यूज नहीं किया है तो इट इज सॉलिड. शेल बोला तो इट इज हॉलो. ओके
एक स्फीयर है एक सेंटीमीटर एंड ऑफ द सेम मटेरियल टू स्फीयर्स ऑफ गोल्ड लिख दो, टू स्फीयर्स ऑफ गोल्ड बेसिकली ऑफ द सेम मटेरियल होना चाहिए. ओके मुझे इतना बताओ, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लेट द सेंटर ऑफ मास बी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम 1 सेंटीमीटर स्फीयर. तो टेल मी यहां से कितना डिस्टेंस होगा? सो 9 माइनस x, दैट्स लवली आंसर. एंड टेल मी अभी अभी मैंने बताया व्हाट इज द हाउ टू गेट द आंसर, क्या फार्मूला बताया था? m1 into x equal to m2 into 9 minus x. बताया था अभी? बताया था या नहीं? Okay, so m1 is 1 into x equal to m2 is 2 into 9 minus x, and therefore x equal to 18 minus 3x, and therefore 4x equal to 18. X equal to 18 by 4, that is 4 centimeter. That means it at a distance of 4.5 centimeter. Sir. बट लेट मी टेल यू दिस आंसर इज रॉन्ग. एनीबडी कैन टेल मी व्हाई इट इज रॉन्ग? ये लिखो ऐसे काट के, ये भी लिखो रॉन्ग. एनीवन कैन टेल मी व्हाई इट इज रॉन्ग? बोलिए सर अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया, आप खुद ही रॉन्ग बोल रहे हो सर. ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? एनीवन एनीवन कैन ऑब्जर्व समथिंग एंड से यस सर बिकॉज़ ऑफ दिस इट इज रॉन्ग. सो दे हैव नॉट गिवन मास, दे यस 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 मास के बदले हमने रेडियस लिख दिया, मास के बदले हमने रेडियस लिख दिया. तो टेल मी मास का रिलेशन दोनों गोल्ड के बारे में, मतलब डेंसिटी तो सेम है, लेट्स से रो इज द डेंसिटी, तो इसका भी रो होगा, इसका भी रो होगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला जो 10th स्टैंडर्ड में आपने किया था. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बोलो. हाँ क्या आवाज बहुत धीमे आ रही है? 4 pi r cube. That's bad answer. छोटा सा mistake है, छोटी सी mistake है. अफीफ 4 pi r square. 4 upon 3 pi r cube. That's answer. That is answer. Bhargesh is lovely student. That is rho into 4 upon 3 pi r cube. अब मुझे बताओ इसमें constant क्या क्या है? Density is constant क्योंकि दोनों gold के बने हैं. 4 upon 3 is constant. Pi is constant. Therefore mass is proportional to what? Tell me. Mass is proportional to what? R cube. That's it. And therefore, what will be m1 by m2? Can I say it will be r1 by r2 ka whole cube? Is this clear? Is this clear? Yahan se, therefore, can I say, therefore, what will be m1 by m2? Yahan se, m1 by m2 will be 9 minus x upon x. जस्ट चेक, ये पहला वाला मैंने काटा नहीं है, ये राइट है, और इसके बाद मैंने ये किया m1 by m2 के बदले क्या लिखो? r1 by r2 का होल क्यूब इक्वल टू 9 माइनस x अपॉन x. r1 कितना है? 1. r2 कितना है? 2. देयरफॉर 1 अपॉन 8 इक्वल टू Therefore, center of mass is at 8 centimeter from smaller sphere. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
एक बार रूलर मारो, एक बार रूलर मार दो, यहाँ पे बच्चे हैं ना मास के बदले रेडियस। यस सर। देखो ये रॉन्ग क्यों था, क्योंकि मास एंड रेडियस आर नॉट इक्विवेलेंट। रेडियस बड़ी होने पे मास बड़ी होती है, पक्का है, लेकिन प्रोपोर्शनल आर क्यूब के रूप में बड़ी होती है। अगर एक रेडियस एक सेंटीमीटर का है स्फीयर का और उसकी मास एम है, तो दो सेंटीमीटर की मास कितनी होगी? एनीवन? एक स्फीयर जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है उसकी मास एम, तो एक दूसरा स्फीयर जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसकी मास कितनी होगी? एनीवन? 2m। उड़ल है 2m। नो, रॉन्ग रॉन्ग। मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है बेटा, क्या 2m कर रहा है? अरे यार इतना सिखाने के बाद तुम गड़बड़ कर रहे हो। एक स्फीयर है 1 सेंटीमीटर का मास m, तो 2 सेंटीमीटर वाले स्फीयर की मास कितनी होगी? आर क्यूब है, कितना m? 2m या 4m? यस, कितना m? 4m। बैग आर क्यूब है 8m। 8m होएगा। अगर इसका मास 1 किलो तो इसका 2 सेंटीमीटर वाले का 8 किलो होगा सीधा। अगर 1 सेंटीमीटर वाला मैं स्फीयर लेके आऊं उसका मास 1 किलो, तो उसी मटेरियल का 2 सेंटीमीटर वाले का 8 किलो मास होगा, 1 किलो नहीं होगा। और 3 सेंटीमीटर वाले का कितना होगा? चलो एनीबडी, अगर इसका 27m। अब समझ में आया आपको, 27m। Because mass is not proportional to r, not r square, but it is mass is proportional to r cube. Cube के हिसाब से बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखना, एक गोल्ड का स्फीयर तुमने एक सेंटीमीटर वाला लिया, उसका जो कॉस्ट होगा ना, तो अगर 2 सेंटीमीटर वाला स्फीयर लेंगे तो उसका कॉस्ट कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? 8 times। उसका कॉस्ट होगा 8 times, क्योंकि मास 8 गुना बढ़ गई उसकी। बात समझ में आ ली कि नहीं? यस सर। हाँ, इसलिए आप ये किसी को बोलोगे ना, चल मेरे को 1 सेंटीमीटर वाले रेडियस की गोल्ड दे, इसका बोलेगा 100 रुपया, बोले नहीं 2 सेंटीमीटर वाला दे, बोलेगा 800 रुपया, तो बोलेगा अरे क्या बात कर रहा है, क्योंकि 8 गुना मास हो जाती है, मास 8 times इंक्रीज हो जाती है। हम लोग इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को। आई होप इट्स क्लियर। 1 मिनट, समझे? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम में चेंज करो और स्फीयर के बदले डिस्क रख दो, डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। डिस्क क्या? डिस्क का मतलब समझे ना, प्लेट ऑफ सेम थिकनेस, डिस्क ऑफ टू डिस्क ऑफ सेम ऑफ गोल्ड ऑफ सेम थिकनेस। ये जरा लिख डालो प्रॉब्लम, तो क्या फर्क आएगा इसमें? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी फर्क? डायग्राम विल रिमेन सेम, this situation, this will also remain same. Change kya hoga? This will obviously be not correct. Isme change kya hoga? Any one of you? Ye sphere tha, ab ye disc kar diya maine. Isko disc kar diya. Isko maine disc kar diya. Anyone can tell me the change? So we have to change the formula. Will change formula. what change formula will change? Very good Bhargesh. Formula volume. Volume mein kya likhun? What is the volume of a disc? Kya hota hai volume of a disc? Kya hota hai? Jaldi